लाइक यू नो रिक्रिएशन. एब्सोल्युटली आपका खुद का एक नया जन्म होने के लिए बहुत जरूरी है. वैसे ही आपके शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत है, अच्छे ऑक्सीजन की, अच्छे खाने की, अच्छे बदलाव की बहुत जरूरत है. एंड इट कैन बी फिल्ड बाय डीएक्सएन. डीएक्सएन प्रोडक्ट से आप उसको मेंटेन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, एंटी एजिंग कर सकते हो. एक सिंपल चीज, मेरे यहां एक डॉक्टर है जो उनकी मम्मी 93 एज की थी, और 93 एज में यू नो डाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और वो चाहते थे कि वो अपने से रहे, मतलब उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े. तो जब उन्होंने ये प्रोडक्ट्स देखे तो उसमें से उन्होंने चाय सिलेक्ट किया. बोला कि ये दूसरा कुछ नहीं लेगी लेकिन काली चाय पसंद करती है तो काली चाय मैं पिला दूंगा. और जब शी स्टार्टेड हैविंग दैट ब्लैक टी, दिन में चार पांच, उसको मम्मी को बोलते थे तो चार पांच बिंदास पी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और जब 93 एज में दैट लेडी हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग ब्लैक टी, तो वो डॉक्टर कह रहे हैं जो मुंबई में बैठे हैं और उनकी माँ गांव में बैठी है, बोल रहे हैं कि इट इज स्टार्टेड वर्किंग एंटी एजिंग, मतलब उसकी भूख बढ़ रही है, पाचन संस्था ठीक हो रही है और खुशी से फोन पे बात कर रही है. आई थिंक 93 एज में और क्या चाहिए, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मोर. आड़े फाटा करके इफ यू नोइंग दैट प्लेस, वहां पे अगर गांव में 2500 स्क्वायर फीट में 93 एज की औरत अपना घर संभाल रही है, उसका बच्चा जो डॉक्टर है ऑलमोस्ट ही इज ऑल्सो एज ऑफ 55-60s, तो वो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काली चाय कैन डू द डाइजेशन सिस्टम अपग्रेडेशन और एक एंटी एजिंग कर रहा है, तो आई थिंक लेट्स एक्सेप्ट दैट एज अ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. बेस्ट यूज फॉर द प्रिवेंशन, कितने लोग प्रिवेंशन करना चाहते हैं? इमरजेंसीज नहीं चाहिए, और इमरजेंसी आई तो भी कैसे टल जाना चाहिए. वी ऑल डू पॉलिसीज, हम जीवन पॉलिसी लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, बराबर है. वी डू द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर विद द फाइनेंशियल्स. अपना जो पॉकेट मनी है, बैंक मनी है, उसको हम मजबूत करना चाहते हैं. लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ऑपरेशन का टाइम आया तो किसका शरीर कटेगा? क्या मेडिक्लेम विल हेल्प यू आउट? डेफिनेटली. लेकिन उस वक्त आपको मेडिक्लेम के बराबर आपका मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी. एंड गैनोडर्मा इज समथिंग कि आपके प्रिवेंशन के लिए, आपके इमरजेंसी में भी उपयोग के लिए आपको काम करेगा. सो यू कैन यूज दिस एज अ टोटली एंटी एजिंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, आप अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं. द पर्सनल केयर, ऐसा कोई भी दुकान नहीं है जिधर आप देखोगे एरिया में तो आपको वो सब जगह पे पर्सनल केयर मिलेंगे. सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? योर स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग, आपका सुबह कैसे शुरू होता है उसमें निर्भर करता है. वी हैव अ टूथपेस्ट ऑफ गैनोडर्मा. गैनोडर्मा तो मिराकुलस है, लेकिन जो टूथपेस्ट उसकी बनी हुई है, कितने लोग यहाँ पे टूथपेस्ट यूज करते हैं? गैनोजी टूथपेस्ट या एंजॉय या इट्स अ मिनी डॉक्टर. आजीचा बटवा पण म्हणूया, बरोबर, गुलाबी बटवा म्हणूया, काही एनीथिंग व्हॉट यू वॉन्ट टू से अबाउट इट. इट इज व्हेरी यूजफुल, एक अपने लिए एक हैंडी चीज, ऐसे आप टूथपेस्ट को यूज कर सकते हो. और ब्रश जो है वो भी आपको लकड़े वाला दिया. एक आर्टिकल कल ही मैंने पढ़ा, इफ यू रिमेम्बर, आपके दादी या तो परदादी होगी, किसी को पता होगा, हमारे यहां हमें ना कोम लकड़े का यूज करते थे, इफ यू रिमेम्बर दैट. एंड टिल नाउ वर्ल्ड वाइड कंघी जो है ना वो लकड़े की यूज करते हैं, लेकिन हम तो प्लास्टिक का ब्रश यूज करते थे. या पीपल आर गेटिंग इन टू मोर इन टू द नेचर, तो आज जो ब्रश डीएक्सएन ने दिया है वो लकड़े का दिया. इज़न्ट दैट सेफ, ब्यूटिफुल, कि एक प्लास्टिक को आपने रिप्लेस करके रखा है. जो बाहर कंघी यूज करते थे वो भी लकड़े का यूज करते थे पहले, हम आज भी लोग यूज कर रहे हैं. कल जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें एशिया पैसिफिक, यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए, ये सब कंट्रीज अभी प्लास्टिक की कंघी नहीं यूज कर रहे, दे यूजिंग वुडन कोम.
हमारे दादी परदादी करती थी, लेकिन आज हमने क्या प्लास्टिक एक्सेप्ट किया. प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल. सो अगेन वी कैन गो बैक टू द नेचर. डिएक्सन हैज गिवन अस अ गुड प्लेटफॉर्म. गैनोजी शैम्पू है, नीली तैलम है. दीज आर पर्सनल केयर जो हर रोज के जीवन में हमको चाहिए रहते हैं. नेक्स्ट, सीरम कितने लोग यूज करते हैं? सीरम अपने बच्चे भी यूज करते होंगे बिकॉज दे लव दैट लुक ऑफ द डे. तो सीरम का यूज किया हो, वी कैन यूज एज अ सीरम. नीली तैलम को हम सीरम की तरह यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, गैनो मसाज ऑयल का किसी का अनुभव है? क्या मेरी मम्मी को घुटने का बहुत दर्द था और मेरे ससुर जी को भी घुटने का इतना प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको बोला मतलब मैं क्या करूँ. तो मेरा कैटरेस का बिजनेस है उनका, तो कंटिन्यू उनको खड़े रहना पड़ता था. तो एक दिन इतना परेशान हो गए थे ना, तो घर पे ही मैंने तेल रखा था तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, ये कुछ भी बोल रही है, कंपनी का है. तो मैंने बोला फिर बाद में एंड हो गया, दर्द हो गया, पेन किलर खाया. तो बाद में मेरे पापा के रात को बोलते 2 बजे विधि हो तेरा वाला तेल दे डिएक्शन का. तो मैंने दिया, कंटिन्यू अभी यूज कर रहे ना, तो भी उनको आराम मिला है. एज क्या है? और स्पाइरुलिना गोली खाते हैं उसके साथ. एज का है? अभी 70 है. तालियां उस उम्र के लिए होनी चाहिए बिकॉज यू नो अगर यंग एज है और रिकवर होता है और 70 की उम्र में रिकवर होता है तो तालियां उसके लिए होनी चाहिए. इसका और एक मैं उपयोग कहना चाहती हूँ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ये बहुत सेंसिटिव है लेडीज के लिए, स्पेशली इन समर. ये मेरी मम्मी को भी नहीं यूज किया था, उनको शुगर है ना, काफी परेशान थी. यूरिया तो इतने ट्यूब्स लेके आए, पूरा स्किन के डॉक्टर को दिखाया, फिर भी नहीं कम बढ़ा था. तो मेरे को ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, तो आपने एक बार ऐसे सुना था मीटिंग में ही, तो मैंने मतलब मम्मी लगा के देख. तो फिर मम्मी ने कंटिन्यू लगाया एक हफ्ते में पूरा, मतलब जो इचिंग हो रहा था मतलब इसके जगह लेटिन की जगह पूरा मतलब निकल गया उसका. ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, सही बोल रहे हो. यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये बच्चों को, महिलाओं को और जो मेनोपॉज में लेडीज जाती है उनके लिए खतरनाक होता है. इसको जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो नॉर्फ्लॉक्स 650 ये टैबलेट दी जाती है और सिताल करके मेडिसिन दिया जाता है. मैं पूछना चाहती हूँ नॉर्फ्लॉक्स लेके आप कितने दिन तक सीधे से खड़ा रह सकते हैं? यू नो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द नॉर्फ्लॉक्स? एक महीना तक वो लेडी शी इज सो लाल डाउन, पूरा इतना वीकनेस आ जाता है, पूरा एक महीना. 3 दिन की गोली चलती है लेकिन पूरा एक महीना वो औरत को लेट के निकालना पड़ता है. सच अ वीकनेस शी गेट, साइड इफेक्ट होते हैं उसके, और वो साइड इफेक्ट निकालने के लिए फिर दूसरा मेडिसिन लेना पड़ता है. इजंट दिस वेरी सिंपल? थोड़ा ऑयल जो बूंद है तेल के आपको सिर्फ अप्लाई करना है, आपके बच्चों को सिखाना है, आपके घर के बुजुर्ग है बिकॉज दे आर मोर इन टू इट. अगर कॉमन टॉयलेट यूज करते हो तो उस वक्त कोरोना में जो मेन इन्फेक्शन हुआ उसके लिए भी हमने ये यूज किया है. गैनोजी पेस्ट भी और ऑयल भी हमने यूज किया है. जितनी भी लेडीज मेनोपॉज में जा रही है प्लीज टेल देम ये यूज कर सकते. एक सिंपल सॉल्यूशन के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते. सुंदर कौन नहीं देखना चाहता है? एवरी वन वॉन्ट्स. या सो क्या है राज? यू कैन यूज द सोप. या 76% TFM लेवल. मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ सौंदर्य के लिए, मैं इसलिए कहूंगी कि कोरोना में जब आप क्या लगाते थे हाथ पे और निकलते थे? सैनिटाइजर. अच्छा था वो सैनिटाइजर? कितने लोगों को सैनिटाइजर का साइड इफेक्ट हुआ? मास्क का साइड इफेक्ट हुआ बहुत जनों को. इज इट दिस सिंपल? अगर यूएस में बहुत जगह पे आज नेचुरल चीज यूज करने को बोल रहे हैं, सो कैन वी यूज दिस? मैंने पूरा कोरोना पीरियड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शिवाजी पार्क प्रभा देवी में रहती हूँ, सिर्फ 1 से 2 बार सैनिटाइजर यूज किया होगा, नहीं तो मैं हैंड एंड बॉडी लोशन हाथ पे लगाती थी और घर पे आके अपने सोप से हाथ धोती थी, निकलते वक्त भी सोप से हाथ धो के निकलती थी. टच वुड जो इम्यून सिस्टम के लिए हम बात करते थे वो चीज मुझे नहीं, क्योंकि माय स्किन इज वेरी डेलिकेट. मैंने 1 से 2 बार लगाया लेकिन वो जलन मिली ना तो मुझे ऐसा लगा कि घर से बाहर ही नहीं निकलूं.
फिर उसके लिए मैंने ऑल्टरनेट देखा, अगर मैं ही प्रेजेंटेशन करती हूँ तो मैंने हैंड एंड बॉडी लोशन का यूज किया एंड यू वोंट बिलीव दैट वर्क्ड। टी ट्री क्रीम हमने यूज किया इनहेलेशन के लिए, हम बोलते हैं कि स्किन के लिए अच्छा है, बट टी ट्री क्रीम इनहेलेशन के लिए जब यूज किया वी रियलाइज कि अगर सर्दी खांसी बुखार भी है दैट हेल्प्ड अस आउट। एक सिंपल नन्ना सा बच्चा जो वॉज वेरी निग्लेक्टेड, डीएक्सएम के सभी प्रोडक्ट में टी ट्री क्रीम वॉज वेरी मच निग्लेक्टेड, लेकिन कोरोना में जब हमने स्टार्ट किया आज तक हम देखते हैं कि अगर थोड़ी सर्दी खांसी या तो इफ यू हैव अ लाइक हेवी हेड यू कैन इनहेल इट, एक सिंपल सॉल्यूशन हमको मिल गया। कितने लोग एलोवी जेल यूज करते हैंड एंड बॉडी लोशन? एलोवेरा, या इट्स गुड फॉर क्लेंजिंग एंड कूलिंग। बेसिकली आज जो समर है उसके लिए क्लेंजिंग भी जरूरी है और कूलिंग भी जरूरी है, सो वी गेट इट इन एलोवेरा। नेक्स्ट, चबी बेबी ऑयल, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आई यूज इट फॉर माई हैंड ऑल्सो। आपके स्किन के लिए, आपका जो डार्कनिंग है वो निकालने के लिए चबी बेबी ऑयल इज गुड। आपको स्किन को एक बरकरार, गाड़ी को भी अच्छा सा ऑइल लगाते, साधा ते शिवड़ा सा मशीन असतं ना त्याच्यामध्ये पण चांगलं तेल लगा के हम लगाते, सो गिव द बेस्ट थिंग टू योर बॉडी। वो दूसरा जो पानी का मशीन रहता है उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, अच्छा सा ऑइल लगाते, सो योर बॉडी रिक्वायर्स अ बेस्ट ऑइल। एंड टैल्कम पाउडर कितने लोग यूज करते हैं? टैल्कम पाउडर या